पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपको रातों रात अमीर भी कर सकता है और रातों रात आपको रोड पे भी ला सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोड पे आने से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 बेसिक फैक्ट्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको सेव कर सकते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है लीगल स्टेटस। जिस भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो सीडी अप्रूव्ड है या डीएचए अप्रूव्ड है, उस प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस जानना सबसे ज़रूरी है। ये आपका लीगल राइट भी है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप उसका एनओसी डिमांड कर सकें। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि बग़ैर रिसर्च के प्रॉपर्टी खरीदना। अपने किसी भी रिश्तेदार के कहने पर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आप लोग, और उसके बाद आपको जो है टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रोजेक्ट तो किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड ही नहीं है। जो तीसरी मेन गलती है वो है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट एक ऐसी गलती है जो 90% लोग करते हैं और अपने हार्ड अर्न मनी से हाथ धो बैठते हैं। अगर आप कोई यूनिट किसी थर्ड पार्टी यानी कि मार्केटिंग कंपनी से ख़रीदते हैं तो उस सूरत में भी पेमेंट आप हमेशा डेवलपर को करें। इससे होता यह है कि आप जो है थर्ड पार्टी के स्कैम से बच जाते हैं और आपके पास एक लीगल स्टेटस होता है, एक लीगल स्टैंडिंग होती है कि आपने जो भी पेमेंट की है वो डायरेक्ट डेवलपर को की है। तो ये वो 3 बेसिक फैक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें फॉलो कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द और बआसानी पहुँचती हैं।